कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के सख्ती के बीच सकारात्मक खबर यह है कि मामले अब कम हो रहे हैं। कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा रोजाना नीचे की ओर जा रहा है, पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रही है। हम इस वक्त भोपाल के लिंक रोड इलाके में मौजूद हैं। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के चलते बाहर अनावश्यक रूप से निकलने वालों पर सख्त रूप से पाबंदी लगाई गई है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें इसी तरीके से लॉकडाउन में बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। लिंक रोड की तस्वीरें बता रही है कि कैसे लोग बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन जिनके पास बाहर निकलने की वजह नहीं है उन्हें या तो वापस भेजा जा रहा है या उनका चालान किया जा रहा है। इस बीच में मास्क ना पहनने वालों को या नियमों के उल्लंघन करने वालों का भी जुर्माना हो रहा है। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि यदि वो बाहर निकलें ज़रूरी होने पर तो मास्क ज़रूर पहने। और ये तस्वीरें अगर आप देखें तो लिंक रोड पे पुलिस की सख्ती की है जो देखने को मिल रही है। भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में करीब 9000 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट गिर करके 15% के आसपास पहुँच चुका है और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी नीचे जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हो गई है और इसीलिए एक्टिव केस 1,00,000 के पार पहले ही जा चुके थे जो अब बढ़कर 1,11,000 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है इस तरीके की सख्ती को और आगे बढ़ाने की ताकि कोरोना संक्रमण की ये चेन टूटे और पॉजिटिव मामले जो तेज़ी से नीचे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो, संक्रमण का आंकड़ा और नीचे चला जाए। कैमरामैन इरशाद खान के साथ विशपाल सिंह, भोपाल।